मेरी सभी वीडियो अन अकेडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर निशा राज सर्च करेंगे तो मेरी और भी वीडियो देख सकेंगे, जो कि आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। तो आइए देखते हैं आज रेलवे सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस में यूनिट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका मैंने लगभग 20-25 एमसीक्यू दिया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से टेस्ट दे सकते हैं, और नहीं मालूम है तो मैं इसका आंसर बताते हुए चली जाती हूँ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। आपके ऑप्शन में समय, दूरी, चाल एवं संवेग। तो आप अपना आंसर दे दें। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। एक प्रकाश वर्ष जो है निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 मल्टीप्लाई 10^15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक पारसेक कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है पारसेक, और एक पारसेक बराबर होता है आपका कितना, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। और अगर आपका मीटर में बोला जाए तो ये कितना हो जाएगा, तो 3.08 मल्टीप्लाई 10^16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वह होती है पारसेक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 मल्टीप्लाई 10^15 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रम जो है किसको व्यक्त करने की इकाई है, यानी किसे हम लोग एंगस्ट्रम में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लंबाई। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैलन में कितने लीटर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3.785 लीटर। ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, यानी कि एक माइक्रोन बराबर कितना होता है आपका। तो एक माइक्रोन बराबर होता है आपका ये 0.001 mm। ऑप्शन नंबर बी। इसे आपको ऑप्शन में इस तरीके से भी करके दिया जा सकता है कि 1/1000 mm, या फिर आपका अगर मीटर में ये पूछा जाएगा तो 10^-6, और अगर सेंटीमीटर में पूछा गया तब ये कितना हो जाएगा, 10^-4 सेंटीमीटर। फिर से सुन लीजिए, अगर mm में पूछा तो 1/1000 mm, और मीटर में पूछा तो 10^-6, और अगर सेंटीमीटर में पूछा तो 10^-4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। तो एक पाउंड में होते हैं 453.52 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल के एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं। तो तेल के एक बैरल में लगभग होते हैं 159 लीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूमेन, LM जिसे संकेत करते हैं हम लोग, कि ल्यूमेन का एसआई मात्रक क्या है। तो ल्यूमेन का एसआई मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पीको बराबर होता है 10^-12। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मूल राशि, यानी कि फंडामेंटल यूनिट है। तो इसका आंसर आपके ऑप्शन में है आप लंबाई, द्रव्यमान, समय, या फिर इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सारी की सारी मूल राशियां हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। भौतिक राशि में मूल राशियों की जो संख्या होती है वो होती है 7। तो इसमें आप नोट कर लीजिए कौन कौन सी, तो लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सारे के सारे फंडामेंटल यूनिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या है, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या भी मैंने जस्ट बताया कि कितनी है, तो 7 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो नैनो नाम से ही लग रहा है 9, तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10^-9, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 9.8 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ऊर्जा क्या है, किया गया कार्य या फिर काम करने की गति या काम करने की क्षमता या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ऊर्जा क्या है, तो काम करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है, यानी कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है डॉप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ठोस कोण की इकाई क्या होती है, तो ठोस कोण का हो जाएगा आपका स्टेरेडियन, ऑप्शन नंबर बी। और यह जो है संपूरक मात्रक होते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, इसके अंतर्गत 2 आते हैं, कौन कौन से, तो एक तो आपका है समतल कोण और एक आता है ठोस कोण। समतल कोण का जो इकाई होता है वह होता है रेडियन, और ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। रेडियन को हम लोग संकेत में लिखते हैं RAD, और स्टेरेडियन को लिखते हैं SR। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है, ऑप्शन में आपके वेग, संवेग, बल और द्रव्यमान, तो वेग, संवेग और बल ये तीनों हैं सदिश राशियां, तो अदिश राशियां कौन सी हो गई, द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशियां हैं, तो वेग, विस्थापन, बल, इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि वेग, विस्थापन, बल ये सारी की सारी सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्रकट की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बल एवं दाब, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल गुणनफल होता है, यानी कि किसका गुणनफल ये बल होता है, तो भार और त्वरण का गुणनफल बराबर हो जाता है आपका बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, यानी जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, तो ये होता है गुणनफल, ये टॉर्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आज का वीडियो आप सबों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।